बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, संत समाज की जय। परम पूज्य साहेब जी, वंदिनी संत समाज, साध्वी समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताएं बहनों, कुछ देर आप लोग के बीच उपस्थित हूं। उस दिन जब मुझे समय मिला था तो भक्ति के विषय पर कुछ चर्चा आप लोगों के बीच रखा था कि भक्ति की आवश्यकता क्यों, इस पर चर्चा हुई थी। आज मैं भक्ति किसका और कैसे करना चाहिए, इस पर थोड़ा विचार करेंगे। उसके पूर्व एक छोटा सा कहानी आप लोग के बीच। एक गांव में एक युवती थी, उसका विवाह हुआ। विवाह के बाद वो ससुराल चली गई। ससुराल में कुछ दिन बीतता है, उसके बाद एक संत उसके द्वार पे आते हैं भिक्षाटन के लिए। जब एक संत उसके द्वार पे जब आता है तो भिक्षाटन के लिए आवाज लगाते, भिक्षाम देही। जैसे ही आवाज लगाता है वैसे उनके सासू माँ अंदर से बोलती है कि बेटी जा, तू उसको कुछ भिक्षा दे दे। और उसके ससुर जी ऊपर छत में बैठे थे और वो नवयुवती नई बहू थी और भिक्षाटन लेकर के साधु बाबा के पास द्वार पर निकली। अब वो जो बहू थी, नवयुवती थी, वो क्या थी, संस्कारी थी, वो भक्ति भाव में लगी हुई थी। उन्होंने सोचा आज भिक्षाटन न दे करके इस साधु बाबा को क्या किया जाए, भोजन करा दिया जाए। और उन्होंने उसी उद्देश्य से अपने घर पे बुला लिए और भोजन कराने लगी। जब भोजन करा लिए तब जैसे जाने का समय हुआ तो साधु बाबा ने पूछा, बेटी तुम्हारी उम्र क्या है। साधु बाबा ने पूछा कि बेटी तुम्हारी उम्र क्या है, तो युवती ने कहा कि मेरी उम्र 6 वर्ष है। लड़की की, युवती की शादी हो चुकी है लेकिन फिर भी क्या कहती है, मेरी उम्र 6 वर्ष की है। अच्छा, तुम्हारी 6 उम्र, तुम्हारे पति के क्या उम्र है, तो कहती कि मेरे पति 2 साल के है अभी। मेरी पति की उम्र क्या है, 2 साल की है। फिर पूछता है साधु बाबा कि तुम्हारे सासू माँ की क्या उम्र है, तो कहती है कि मेरी सासू माँ अभी 6 महीने की बच्ची है। और तुम्हारे ससुर का, तो कहेगा अभी जन्म ही नहीं हुआ है, अभी मेरे ससुर का जन्म ही नहीं हुआ है। इस बात को साधु बाबा और युवती की बात को अंदर से उनकी सासू माँ और ऊपर से उनके ससुर सुन रहे थे। अब इस बात को सुनकर कि वो लोग तो फिर क्रोधित हो रहे थे, उसके लिए नाराज हो रहे थे। जब साधु बाबा चले गए तो युवती से पूछा उसके ससुर ने और सास ने, तुम साधु बाबा से क्या कह रही थी कि तुम्हारी उम्र इतना है, इतना है, उतना है। तो युवती बोलती है कि मैं इसमें झूठ नहीं बोली हूँ, क्योंकि मेरी उम्र 6 वर्ष इसलिए बताई क्योंकि जब मैं अपने घर में थी, अपने माँ बाप के पास मायके में थी, तभी मैं भक्ति के लाइन में 6 वर्ष के पहले ही मैं लगी थी, इसलिए मेरी उम्र क्या है, 6 वर्ष की है। और तुम्हारी पति की, जब मैं शादी होकर के यहाँ आई 2 साल पहले, अब मेरे प्रभाव से मेरे भक्ति को देख करके, मेरे संस्कार को देख करके मेरे पति ने भी भक्ति के लाइन में लगा हुआ है, तो इसलिए उनका क्या है, 2 वर्ष है। और इसी प्रभाव को देख करके मेरी सासू माँ ने पूजा पाठ करना, भक्ति में लगना 6 महीने पहले ही चालू किया, इसलिए मेरी सासू माँ की उम्र क्या है, 6 वर्ष की, 6 महीने की। और जो ससुर जी है उनको तो, अब उनको अभी भक्ति में लगा ही नहीं हुआ है, उनको कुछ पता ही नहीं है, तो कहते कि उनका जन्म ही नहीं हुआ है। कहीं हम लोग भी तो ऐसे नहीं है
कि अभी हम लोग भी लगे ही नहीं है और जीवन बीतता चला जा रहा है, तो कैसे करे, किसका भक्ति करे, भक्ति है क्या? सद्गुरु कबीर कहते हैं कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन में जो तरंगे उड़ती है, मन में जो विकार है, मन में जो गलत भावनाएं हैं, इन सब को दूर कर लेने ही तो भक्ति है। भक्ति में सिखाते क्या है, संत के पास जाते हैं, बोलिए सद्गुरु देव की जय। बोलिए सद्गुरु देव की जय। आप सब बैठे आगे बढ़ जाए और जगह ना छोड़े। हाँ साहब जी अपनी बात पूरी की। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। तो मैं कह रहा था कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। भजन का माध्यम, भजन करने के लिए तो बहुत जाते हैं, भजन हम करते भी हैं। भजन का अर्थ है समर्पण। कहाँ हम अपने अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, कहाँ हम अपने मन को लगा रहे हैं, ये हमें देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और यदि हम कहीं भी जाते हैं, गुरुजनों के पास जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, क्यों जाते हैं? ज्ञान की बातों को सुनने के लिए और अपने मन के विकारों को धोने के लिए। लेकिन यदि हम संतों के पास जाएं, खैर हम संतों के पास छोड़ दीजिए, कहीं मंदिर में जाते हैं, कहीं गुरुद्वारा में जाते हैं, क्यों जाते हैं? वहां भी हम इसी उद्देश्य से जाते हैं कि हम कहीं ना कहीं भक्ति कर रहे हैं तो हमारा मन निर्मल हो। लेकिन बाहरी आडंबर से या बाहरी दिखावा मात्र से भक्ति में हमें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। असली भक्ति क्या है? जब हम अपने अंदर के विकारों को धोएंगे, हम जिस उद्देश्य से हम भक्ति करना चाहते हैं उस उद्देश्य की पूर्ति होना चाहिए, जिससे हमारा मन का विकार धुल जाए, जिससे हमारा मन का मैल धुल जाए, वो भक्ति कारगर है। और वो कहाँ है? जब हम सत्संग में जाएंगे, संतों के पास जाएंगे, वही तो हमें आधार मिलेगा, वही तो हमें ज्ञान मिलेगा। नहीं तो हम भटकते ही भटकते जीवन बीत जाएगा। आज तक तो हम मंदिर मस्जिद तीर्थों में अन्य जगहों में जा जाकर के हमारा जीवन का समय बीतता चला गया, लेकिन फिर भी हमारा मन का विकार नहीं गया, हमारे अंदर के कलिमस नहीं गया, वही लोभ वही क्रोध वही ईर्ष्या वही राग वही देश आज तक हमारे मन में वही भरा हुआ है, तो फिर वो भक्ति हमारे काम का नहीं है। यदि हम ऐसे जगह जाएं जिससे हमारे मन का विकार धुल जाए, जिससे हमारा मन का मैल धुल जाए। भक्ति के नाम पर लोग गंगा नहाने जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, लेकिन क्या तीर्थों में स्नान करने से, मंदिर में जाकर के पूजा करने से, पूजा करना तीर्थों में जाना कोई गलत नहीं है, जाना चाहिए, लेकिन हम जिस उद्देश्य, हमारा जो उद्देश्य है,
हमारे मन की निर्मलता है वो कैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमको देखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। इसलिए आवश्यकता है सत्संग में हम जाए, वहां हम ज्ञान की बातों को सुने। संत जन बताते हैं जो ज्ञान के बाद उसको अपने जीवन में धारण करें। यदि हम सत्संग में जाएं और केवल मात्र सुनते रह जाएं, सुनने के समय अच्छा लगता है, देखने दर्शन करने के समय अच्छा लगता है, लेकिन यदि वो जीवन में ना आए वो बातें, तो हमारा सत्संग सुनना व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए आवश्यकता है उनको हम आचरण में ढालें, उसको हम अपने जीवन में लाएं। और यदि जीवन में ना लाए उन बातों को, नहीं आया, तो हमारा भजन करना, सत्संग करना, ज्ञान की बातों को सुनना, ज्ञान के पुस्तकों को पढ़ना, ये क्या चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए आवश्यकता है कि जीवन रहते, समय रहते हम चेत जाएं। समय तो बीतता चला जाएगा ही, लेकिन हाथ में कुछ आएगा नहीं, उससे पहले हम सचेत हो जाए, समझदार बन जाए, विवेकी बन जाए कि हम कर क्या रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, हमें मिल क्या रहा है, इन विषयों पर विचार करें, विवेक करें, और विवेक करके उस पथ पर चले जिससे हमारे मन को शांति मिले और हमारे मन के विकार धुले। ऐसे तो बहुत जगह है जाने के लिए, सुनने के लिए, लेकिन यदि वो हमारा उद्देश्य ही पूरा ना हो, हमारा काम ही पूरा ना हो, तो फिर वहाँ जाने का कोई लाभ नहीं है। इसलिए आवश्यकता है कि हम सत्संग में जाएं, गुरुजनों के पास जाएं और ज्ञान की बातों को जीवन में लाने का, आचरण करने का प्रयास करें, जिससे हमारा जीवन सुधरेगा। और नहीं तो अंत में तो बूढ़ा होकर के सबको इस संसार से पलायन कर जाना है। उससे पहले वो काम करें जिससे हमारा मन निर्मल हो। संत जन विराजमान है, मैं अपने वाणियों को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।